सेक्शन ऑफ फोर पार्ट टू टेक क्लास 9। तो देखो याद है मैंने लिखवा है l1 = b1 g1 * 1 2 + 3 1 स्क्वायर ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहां पर l1 b1 d1 l1 b1 d1 अगर आप देखोगे तो l1 b1 d1 इक्वल है b1 l1 * b1 d1 इसके इक्वल था ठीक है। जो मैंने लिखवाया है मैंने तो मैंने यहां पर क्या किया l1 b1 d1 की जगह पर क्या लिखा मैंने यहां पर b1 ठीक है। अब देखो यहां पर 1 का क्यूब किया तो 1 * 2 क्या निकलेगा 1 प्लस और ये 1 का स्क्वायर 1 3 1 = 3 और अल्फा डेल्टा टी वैसे देखेंगे प्लस ठीक है प्लस अब देखो 3 1 = 3 तो यहां पे 3 1 = 3 लिखा। अब ये जो स्क्वायर है अल्फा डेल्टा टी होल स्क्वायर है क्योंकि स्क्वायर अल्फा के साथ भी और डेल्टा टी के साथ भी है तो इसे मैंने दोनों के साथ इंडिविजुअली लिखा तो अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर प्लस देखो यहां पे प्लस का साइन। अब इसके बाद लिखा हुआ अल्फा डेल्टा टी होल क्यूब तो इसका मतलब ये क्यूब अल्फा के साथ भी और डेल्टा टी के साथ भी है तो यहां पे इसको क्या लिखूंगा अल्फा क्यूब डेल्टा टी क्यूब ब्रैकेट क्लोज और माइनस b1 इसी तरह ठीक है। अब देखो ये अल्फा जो है असल में कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल इट इज वेरी स्मॉलेस्ट वैल्यू एक बहुत ही छोटा नंबर है इसकी वैल्यू तकरीबन इतनी होती है 0.00016 कुछ इस तरीके से होती है बहुत स्मॉलेस्ट नंबर। तो अगर इसका हम स्क्वायर लेंगे और क्यूब लेंगे तो ये नंबर जो मजीद स्मॉलेस्ट हो जाए और मजीद स्मॉलेस्ट होने का मतलब है कि चूंकि खुद ही ऐसा स्मॉलेस्ट अपने जात में देखें तो ये बहुत स्मॉलेस्ट नंबर है लेकिन अगर इसका स्क्वायर और क्यूब देखें तो ये स्मॉल नंबर बहुत ही स्मॉलेस्ट होगा और उसको किसी भी बड़े नंबर के साथ ऐड करेंगे तो उस नंबर की कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज दैट अगर मैं किसी भी नंबर को 2 को मैं 0.00000016 ऐड करूंगा तो आंसर ऑलमोस्ट 2 ही आएगा। तो ये अल्फा चूंकि बहुत स्मॉलेस्ट नंबर है तो हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि जो इसका जो हायर पावर है अल्फा हायर पावर मतलब पावर 1 से ज्यादा हायर पावर जो अल्फा है उसको हम नेग्लिजिबल यानी कि इट इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब है कि जो हायर पावर अल्फा की जो वैल्यू उसके आप उसकी जगह जीरो ले सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे यही करेंगे हम कि सिंस अल्फा इज वेरी स्मॉल देयरफॉर हायर पावर ऑफ अल्फा इज नेग्लिजिबल। मतलब यहाँ पर हम ये सपोज करेंगे अल्फा स्क्वायर भी जीरो के इक्वल है अल्फा क्यूब भी जीरो के इक्वल है तो पूरा टर्म जीरो बन जाएगा और ये पूरा टर्म भी क्या बन जाएगा जीरो बन जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा डेल्टा बी इज इक्वल टू बी वन और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बचेगा वन प्लस थ्री अल्फा डेल्टा टी और आगे माइनस बी वन। अब इसको ब्रैकेट को मैं क्लोज ओपन करूंगा तो देखें बी वन को वन से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस 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 बी वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे बी वन प्लस 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 और बी वन वन को बी वन को थ्री अल्फा डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री बी वन अल्फा डेल्टा टी आएगा और आगे में माइनस बी वन। तो देखिए ये प्लस बी वन और ये माइनस बी वन प्लस माइनस माइनस कैंसिल करेंगे तो बी वन से बी वन को कैंसिल किया तो क्या होगा खत्म हो जाएगा तो हमारे पास से क्या बचेगा डेल्टा बी बचेगा क्या डेल्टा बी प्लस थ्री बी वन अल्फा डेल्टा टी। अब चूंकि हमें पता है कि रिसेंटली आपने नेक्स्ट यानी कि प्रीवियस लेक्चर में इसका फॉर्मूला आपने ड्राइव किया कि आपको पता है कि डेल्टा बी इक्वल है बीटा बी वन डेल्टा टी के इक्वल होता है तो इसका मतलब है यहाँ पर हम इस डेल्टा बी की जगह क्या लिख सकते हैं बीटा बी वन डेल्टा टी इज इक्वल टू और आगे क्या लिखा थ्री बी वन अल्फा डेल्टा टी। अब चूंकि मुझे बीटा को सेपरेट करना तो बी वन डेल्टा टी दोनों यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन दोनों को शिफ्ट करेंगे तो दोनों कहाँ चले जाएंगे डिवाइड पर तो देखो यहाँ पर थ्री बी वन अल्फा डेल्टा टी डिवाइडेड बाय बी वन डेल्टा टी होता है तो बी वन बी वन कैंसिल डेल्टा टी और डेल्टा टी कैंसिल तो बीटा इज इक्वल टू थ्री अल्फा। लेकिन अगर आपको अल्फा की वैल्यू निकालना हो तो देखिए थ्री यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको शिफ्ट करेंगे तो ये बीटा से क्या होगा डिवाइड तो इसका मतलब बीटा से पहले क्या लिखा हो वन लिखा हो तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि वन अपॉन थ्री बीटा। तो अगर आपको वन अपॉन थ्री बीटा ड्राइव करने को कहा जाए तो आप दो स्टेप बढ़ाएगा लेकिन अगर आपको कहा जाए सिर्फ थ्री अल्फा प्रूफ करें तो आप यहीं पर रोक रहे हैं। अगर आपको कहा जाएगा अल्फा इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री बीटा प्रूफ करना है तो आप मजीद दो स्टेप को इंक्रीज करिएगा और यहाँ पर इसका प्रोग्राम ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करें तो अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।